देखिए, दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि यमुना का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अभी एक घंटे पहले 207.53 पर आ गया है। कल तक तकरीबन 0.01 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से घट रहा था, अब वो काफी बढ़ गया है रेट। ऑलमोस्ट 0.1 मीटर हर दो से तीन घंटे में यमुना का स्तर गिर रहा है। जैसे जैसे यमुना का स्तर नीचे जाएगा, वैसे ही जो नाले दिल्ली भर से यमुना जी में जा रहे हैं उनका पानी भी ड्रेन आउट होना शुरू करेगा। बेसिकली जो अलग अलग कॉलोनीज में फ्लडिंग है, काफी जगह फ्लडिंग इस वजह से नहीं है कि यमुना का पानी वहां पे है, पर जो नालों का पानी यमुना में जाना है उनका वाटर लेवल ऊपर हो गया है। तो इसलिए एक बार यमुना का स्तर नीचे जाता है तो मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में कुछ तो रिलीफ दिल्ली वालों को मिलना चाहिए। के बीच ये जो आरोप पर प्रत्यारोप वाली बात अब शुरू हुई है, जिसमें अब कहा गया कि वहां से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की बात आई, लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि इतना तो पानी वहां छोड़ा ही नहीं जा सकता है क्योंकि वो एक रेगुलेटर है, इतना पानी नहीं छोड़ा जा सकता है। तो क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी, क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था? हम मानते हैं वो कनाल्स हैं, हम मानते हैं उनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता, ज्यादा से ज्यादा खेतों में फ्लडिंग होती। लेकिन दिल्ली में पानी छोड़ने से, जहां पे इतनी घनी आबादी है, तो बहुत यहां पे एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जान माल का खतरा हो गया। 25,000 लोग इवैक्यूएट हुए, 21,000 लोग आज रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हरियाणा में नहीं छोड़ा जा रहा था, और क्या अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था? इस पे तो जरूर जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। सीएम खट्टर जी, मुश्किल के हालात बनते हैं तो दिल्ली सरकार को सिर्फ हरियाणा याद आता है। तो देखिए, जो यमुना है, नदी है, वो ये नहीं जानती है कि कहां पे हिमाचल की बाउंड्री खत्म हुई, कहां पे हरियाणा की हुई, कहां पे दिल्ली की हुई, कहां पे यूपी की हुई। हरियाणा से ही दिल्ली में पानी आएगा। वैसे भी ये तो सबको ही पता है कि जो बाढ़ आई है वो हरियाणा से आने वाले यमुना नदी के पानी की वजह से आई है, क्योंकि दिल्ली में तो 4 दिन से एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है। तो जो पानी आज दिल्ली के सड़कों में, कॉलोनीज में भरा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से आया हुआ पानी है। और अगर ऐसा हुआ है कि दिल्ली को सारा पानी छोड़ा गया, हरियाणा में नहीं छोड़ा गया, यूपी में नहीं छोड़ा गया, तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। इसका मतलब है कि जो दिल्ली में बाढ़ आई है उस बाढ़ को रोका जा सकता था। मैम, एनडीआरएफ की तैनाती उस जगह पर जहां पर एक रेगुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया था आईटीओ के पास, वहां पर थोड़ी देरी से हुई, तो इस पर एलजी कह रहे हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, इसमें सबको मिलकर काम करना है। देखिए, हम तो सहमत है, मिलकर काम करना चाहिए। हम तो बिल्कुल भी चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे आर्मी हो, सबके साथ हम लोग काम करने को तैयार भी नहीं है। सीएम साहब ने खुद कल शाम को जब आईटीओ के गेट्स खुले, आर्मी के इंजीनियर्स की वजह से खुले, उनका धन्यवाद किया। लेकिन आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि परसों रात को सौरभ भारद्वाज जी ने, मैंने अफसरों को बोला कि एनडीआरएफ को रात को ही आईटीओ के रेगुलेटर पे बुलाया जाए। हमें ये जवाब मिला कि एनडीआरएफ की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने बोला कि आर्मी को कांटेक्ट किया जाए, आर्मी में एक इंजीनियरिंग विंग होगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। रात भर निकल गई, फिर कल सुबह एलजी साहब के कहने पे एनडीआरएफ और आर्मी बुलाई गई। अगर 12 घंटे पहले एनडीआरएफ बुला ली होती, 12 घंटे पहले आर्मी के इंजीनियर्स को बुला लिया होता, तो आईटीओ में पानी नहीं भरता, तो सुप्रीम कोर्ट तक पानी नहीं पहुंचता। सुप्रीम कोर्ट क्या आम आदमी पार्टी का है? सुप्रीम कोर्ट क्या अरविंद केजरीवाल का है? सुप्रीम कोर्ट तो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? जब आपको मंत्रियों ने आदेश दिया कि आप एनडीआरएफ बुलाइए, जब आपको मंत्रियों ने आदेश दिया कि आप आर्मी को संपर्क करिए, तो क्यों नहीं किया गया? मैम, आखिरी है कि दिल्ली में आईटीओ बैराज पर डब्ल्यूएचओ भवन के सामने यमुना पर टूटे बांध को सील करने और गेट खोलने में उनके अथक प्रयासों के लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जवानों और भारतीय सेना के अधिकारियों को आभार उन्होंने दिया। नहीं, बिल्कुल, हम भी देते हैं आभार।
परसों रात को रात भर इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट एमसीडी पीडब्ल्यूडी के अफसर वहां का लोकल लेबर रात भर काम करते रहे, मतलब कमर तक पानी, उनकी कंधों तक पानी था, लेकिन वो वहां पे एक बंड बनाते रहे कि दिल्ली में और पानी ना घुसे। तो बिल्कुल हम धन्यवाद करेंगे। कल सुबह से इंडियन आर्मी के भी इंजीनियर्स आए, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। हम तो बस ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर 12 घंटे पहले एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी आ जाती तो आईटीओ में पानी नहीं भरता, सुप्रीम कोर्ट तक पानी नहीं पहुंचता, और अगर अफसर मंत्रियों की बात इस आपातकाल में भी नहीं सुनेंगे तो दिल्ली कैसे चलेगी।